Hello everyone, welcome to Avivs Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English lesson 3 discovering 2 the saga continues. And today's video lecture we will see some important question answers. So let's start. Give reasons for the following. निम्न दिए गए जितने भी questions हैं उनके कारण बताइए. So first है, King Tut's body has been subjected to repeated स्क्रूटनी एज अंडर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किंग टूट है, किंग टूट के शरीर का पुनः सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है. क्यों, यानी बार बार क्यों उनका परीक्षण किया गया है. सो आंसर फर्स्ट है, इन 1922 हार्वर्ड क्वार्टर अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टूट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल एफर्ट्स. इन द वर्ड्स ऑफ जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, द ममी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट क्वार्टर डिड इन 1920s. सेकेंड, यहाँ पे बताया गया है कि जो हार्वर्ड क्वार्टर है, हार्वर्ड क्वार्टर ने 1922 में जो ममी है, किंग टूट की ममी है, उनकी उन्होंने खोज की थी. और खोज करने के बाद उन्होंने मम्मी के साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उनकी ये स्थिति हुई है, यानी जो किंग टूट की जो मम्मी थी वो काफ़ी ख़राब स्थिति में पाया गया. मींस जो जाही हवास है, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ है, वो जब देखे तो उन्होंने देखा कि जो मम्मी की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी. तो वो कहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था 1922 में, यानी जो हार्वर्ड क्वार्टर है उन्होंने खोज की थी, तो खोज करने के बाद उन्होंने उनके साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई थी. सेकेंड, इन 1968 अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एक्सरेड द ममी. ही केम आउट विथ एन एस्ट्रोनाइजिंग फैक्ट दैट टूट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग. एंड दूसरी चीज़ ये है, अब 1922 के बाद 1968 में फिर से एक बार उनकी मम्मी को निकाला गया और जो प्रोफेसर है, एनाटॉमी प्रोफेसर है, उन्होंने एक्सरे किया, मम्मी का एक्सरे किया और उन्होंने पाया कि कई चीज़ें सामने आई. जैसे उनकी जो बॉडी का जो ब्रेस्ट बोन है, यानी कि जो छाती की जो हड्डी है वो, और जो फ्रंट पार्ट की जो रिब्स है, पसलियाँ हैं, वो गायब थी. इस तरह से ये दो रीज़न हो गए. थर्ड है, टूट्स मम्मी वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन विथ रेजिन्स इन ऑर्डर टू लूजन द रेजिन्स फ्राम द बॉटम ऑफ द कॉफिन. द मम्मी वॉज पुट फॉर सेवरल आवर्स आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सन बट नथिंग बर्स्ट. सो द मम्मी हैड टू बी कट फ्री एंड द रिमेन्स वर रिजेंबल्ड ऑन सैंड इन अ वुडन बॉक्स padded to hide the damage, the bad wear to rests now. And इसके बाद जो थर्ड जो रीज़न है, तीसरा जो कारण है, वो ये है कि जो टूट की मम्मी थी वो एक तरह से सीमेंट की तरह जमी हुई थी. किससे? उस रेजिन की वजह से. रेजिन जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि परंपरागत तरीके से डाला जाता है ताकि जो मम्मी है वो ख़राब ना हो. तो मम्मी ख़राब ना हो इस वजह से रेजिन को डाला गया था उनकी मम्मी के साथ, यानी उसकी जो मम्मी है, किंग टूट की जो मम्मी है, और जो कॉफिन है वो काफ़ी तरीके से सीमेंट की भांति वो अच्छे से चिपक गए थे और जिसे निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट था. अगर उसे नहीं निकाला जाता तो जो चोर है, थीफ्स है, वो आ जाते और मम्मी के साथ छेड़छाड़ करते, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें थी, जो कॉफिन भी था, वो भी सोने का बना हुआ था. तो इस तरह से मम्मी को नुकसान ना हो इसी वजह से उन्हें फिर से निकाला गया. नहीं, जो मम्मी है, मम्मी को कॉफिन से कैसे भी करके सूर्य की किरणों में रखा गया था, मीन्स धूप में रखा गया था घंटों तक, फिर भी इससे नहीं निकला तो उन्होंने छैनी हथौड़े का यूज़ किया और कैसे भी करके काट के उन्हें निकाला गया और उनकी जो मम्मी थी उनको लकड़ी के बक्से में डाला गया. सो इस तरह से ये सारी चीज़ें की गई, इस तरह से परीक्षण किया गया. फिर नेक्स्ट, 8:06 PM ऑन जनवरी 2005 द मम्मी वॉज टेकन आउट फॉर सिटी स्कैन. आफ्टर द स्कैनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड the technicians turned over to the workmen. They carried
came back to his tomb in less than 3 hours after he was removed from his coffin. The pharaoh again rested in peace where the funerary priests had led him over 3,300 years ago. The wind stopped and the winter air lay cold and still like death itself in the valley of the kings. So, उसके बाद जब चौथी जो बात आती है वो आती है 6 PM की बात है एंड 2005 की जनवरी 2005 ये 5th January है और 5th January 2005 की बात है. उस समय उनकी मम्मी को एक बार फिर से निकाला गया और निकालने के बाद उनका सीटी स्कैन किया गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई उनके रीज़न क्या है और इस तरह से उनका परीक्षण किया गया. तो परीक्षण करने के बाद जो चीज़ें सामने आई उनके बाद उनकी जो बॉडी है उनको फिर से वहाँ पर ले जाया गया और जहाँ जिस सिमेट्री से निकाला गया था क्योंकि उस सिमेट्री को कहा जाता था वैली ऑफ द किंग्स और उसमें जहाँ पे उनको पहले लिटाया गया था जो पुजारी थे उन्होंने जिस सिमेट्री में उन्हें पहले दफनाया गया था वहीं पे फिर से ले जाया गया. एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि जो विंटर है वो शांत जो मौसम होता है वो काफ़ी शांत हो जाता है एंड जो हवाएं जो तेज़ चल रही होती है विंटर जो एयर चल रही होती है वो शांत हो जाती है. सो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है उनकी जो मम्मी है उनका बार बार परीक्षण किया गया है. सो ये सारे रीज़न थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड कॉर्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हावर्ड कॉर्टर की जो खोज है उनका विरोध किया गया है. क्यों विरोध किया गया या फिर उनकी उनकी जो खोज है उनको पसंद नहीं किया गया है क्यों. सो आंसर दो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ कार्टर्स एफर्ट टेस्टिंग ओवर इयर्स दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टूट्स टूम्ब येट हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. द रीजंस वर क्लियर. ही डिस्कवर्ड द टूट्स मम्मी इन 1922. इट वॉज ड्यूरिंग कार्टर्स डिस्कवरी पीरियड इन 1920s. He did a lot to understand and verify about the Tut's tomb. For this, he had to open and reopen the coffin. As a result, he could confirm the discovery of Tut's tomb. Over 40 years after, that is, in 1968, the mummy was x-rayed by a professor of anatomy. यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों हावर्ड कॉर्टर की इन्वेस्टिगेशन को पसंद नहीं किया गया. उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी जो खोज है उनका विरोध किया गया. क्यों? क्योंकि ये हालांकि जो हावर्ड कॉर्टर है उनकी वजह से उनकी टूम की खोज हुई यानी जो जो किंग टूट थे किंग टूट की टूम इन्हीं की वजह से हुई यानी आफ्टर उनकी बहुत वर्षों बाद उनकी टूम को खोजा गया उनकी मम्मी को निकाला गया. लेकिन जब उस समय उनकी मम्मी को निकाला गया था तो जो सिचुएशन थी वो अच्छी थी यानी जो जो मम्मी की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी जैसी रहनी चाहिए. जो सारी चीज़ें थी जो आभूषण थे जो गहने थे जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें साफ थी क्लियर थी सारी चीज़ें अच्छी थी. बट उनकी खोज के बाद जब उनकी बॉडी को निकाला गया था यानी उनकी मम्मी को निकाली गई थी और उसके बाद उनके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से ढेर सारी समस्या आई थी यानी कि उनकी जो जो बॉडी थी उनकी जो मम्मी थी उनकी मम्मी ठीक नहीं थी बहुत ही ख़राब स्थिति में थी. एंड उनकी खोज के लगभग 40 वर्ष से अधिक के बाद 1968 में जब एक्सरे किया गया इनके द्वारा प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एनाटॉमी के प्रोफेसर के द्वारा जब एक्सरे किया गया तो कई सारी चीज़ें सामने आई जैसे उनकी जो जो छाती का छाती की जो हड्डी है एंड जो रिब्स है फ्रंट पार्ट की जो रिब्स है पसलियाँ हैं वो गायब थी. सो इस तरह से कई चीज़ें सामने आई थी जिसकी वजह से उनकी जो खोज है हावर्ड कॉर्टर की खोज है उनको पसंद नहीं किया जाता उनका विरोध किया गया है. इसके अलावा फाइनली ऑन जनवरी 5, 2005 जाही हवास द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज ड्यूरिंग द चेकिंग आउट ऑफ द मम्मी फॉर डायग्नोसिस बाय सीटी स्कैनर आफ्टर लीनिंग ओवर द बॉडी फॉर केयरफुल एग्जामिनेशन सेड द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट
Carter did in 1920s. Thus, Howard Carter's investigation leading to the discovery of Tut's tomb got resented due to the very bad condition of the mummy. And after that, Cub finally 5th January 2005 को जाहे हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज वो जब खोजे तब उन्होंने देखा कि जो मम्मी की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी एंड देन उनका सीटी स्कैन किया गया तब कई सारे चीज़ें जो है वो सामने आई एंड उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति है ये किस लिए हुई है यानी हावर्ड कार्टर ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मम्मी की जो स्थिति है यानी जो किंग टूट की जो मम्मी है उनकी स्थिति इतनी ख़राब स्थिति में है एंड ये सारे रीजंस थे और जिसकी वजह से बार बार परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि कुछ ना कुछ तो मिस हुई है कुछ ना कुछ तो गलती हुई है और जिसकी वजह से जो हावर्ड कार्टर है हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रिसेंटेड किया गया है यानी विरोध किया जाता है यानी उनकी जो खोज है उनको लोग पसंद नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हावर्ड कार्टर थे हावर्ड कार्टर को चिजल अवे करना पड़ा यानी कि जो छैनी का यूज़ करके जो मम्मी है किंग की जो मम्मी है किंग के जो अवशेष है उनको अलग किया गया रेजिन से अलग करने के लिए यानी छैनी का यूज़ करना पड़ा ताकि जो किंग टूट की जो अवशेष है उनके जो बॉडी के जो अवशेष है और जो रेजिन है उनको अलग अलग करने के लिए छैनी का यूज़ करना पड़ा. रीज़न क्या है टूट्स मम्मी गॉड सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ की सॉलिड गोल्ड कॉफिन एज अ रिचुअल रेजिन्स हैड सो हार्डन्ड दे कुडंट बी सेपरेटेड बाई एनी अमाउंट ऑफ रिजनेबल फोर्स. दिस मेड कार्टर टू थिंक वॉट वॉज टू बी डन. अब जो रेजिन था रेजिन एक तरह से रिचुअल था एक पारंपरिक चीज़ें थी उसे इसलिए यूज़ किया गया था ताकि जो मम्मी है वो ख़राब ना हो यानी परंपरागत रूप से रेजिन का यूज़ किया गया था. अब जो रेजिन था वो काफ़ी जम चुका था यानी सीमेंट की भांति जमा हुआ था और उसे निकालने के लिए जो हावर्ड कार्टर था उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए वॉट वॉज टू बी डन. इन दैट पार्ट ऑफ साउथ इन इजिप्ट द सन वॉज स्कॉचिंग एंड कुड बीट लाइक अ हैमर. कार्टर ट्राई टू यूज द सन टू लूजन द रेजिन्स फॉर सेवरल आवर्स ही पुट द मम्मी आउटसाइड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. इट हीटेड द मम्मी टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट बट नथिंग मूव्ड. थस कार्टर्स साइंटिफिक अप्रोच फेल. ही कुड नॉट हैव लेफ्ट इट टू बी शैटर्ड बाय थीव्स सो टू स्टील द गोल्ड कॉफिन बाय चीटिंग द गार्ड्स. सो ही रिपोर्टेड the solidified materials had to be cut out with a chisel from beneath the limbs and trunk. Only then it would be possible to raise the king's remains. And after that क्या होता है कि जो इजिप्ट था इजिप्ट का एक ऐसी इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है काफ़ी धूप पड़ती है वहाँ पे 149 डिग्री फारेनहाइट तापमान पे उनकी बॉडी को रखा गया ताकि जो रेजिन है वो पिघल जाए क्योंकि इतनी गर्मी में जो रेजिन है वो निकल जाए बट ये जो है फेल हो गया ये जो मिशन था फेल हो गया. फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने उनके पास एक ही रीज़न था कि वो कैसे भी करके छैनी का यूज़ करके उनकी बॉडी को कैसे भी करके रेजिन से अलग किया जाए ताकि जो जो कॉफिन है वो कॉफिन और से मम्मी जो है वो अलग हो जाए और इस तरह से वो उनको बचा सके क्योंकि अगर वो उन्हें अलग नहीं करते तो जो चोर है थीव्स है वो आ जाते और वो कॉफिन वगैरह को और बहुत सारी चीज़ों को आभूषणों को चुरा करके ले जाते जिससे मम्मी की जो स्थिति होती वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती और इसीलिए उनका यूज़ किया गया. एंड आगे कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हेड and cut almost every man joint. They had to cut the mummy free. After that, they resemble the remains on a layer of
sand in a wooden box with padding that hid the damage and his resting bed. And as कैसे भी करके उन्होंने छैनी का यूज़ किया और कई सारे पार्ट्स को उनको काटना पड़ा और कैसे भी करके काट करके उनको अलग किया गया. उनकी जो मम्मी है, मम्मी को जो कॉफिन है कॉफिन से अलग किया गया और उसके बाद उनकी मम्मी को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया. और ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से कॉर्टर को जो छैनी है उनका यूज़ करना पड़ा, यानी काट करके उनको निकालना पड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि किंग टूट के जो शरीर है, किंग टूट के शरीर को मुलम में चढ़ित खजाने से के साथ उनके साथ क्यों दफनाया गया था, यानी सोने से जो जड़ित है, सोने से चढ़ित जो ट्रेजर्स है, खजाने हैं, उनके साथ उनके शरीर को क्यों बरी किया गया था, क्यों दफनाया गया था. सो आंसर, इन टूट्स टाइम द रॉयल फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू बी वेरी वेल्दी. दे थॉट और होप्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विथ देम एट डेथ. किंग टूट फॉर हिज जर्नी to the death of the life was bestowed greatly with pure glittering gold items, precious collars, engraved necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, seats for fingers and toes, iconic inner coffin and masks. The Egyptian royals thought that they could not only carry their gilded treasures with them at the time of death, but they would want it in their afterlife also. So उस ज़माने में ये कहा जाता था, एक तो रीज़न ये था कि टूट के ज़माने में जो उनके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी वेल्दी थे, काफ़ी धनी थे, और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये मानते थे कि डेथ के बाद फिर से लाइफ है, यानी कि जब किसी किंग की डेथ हो जाती थी तो डेथ के बाद उनकी फिर से लाइफ है, तो वो उन चीज़ों का उपभोग करते हैं, या फिर यूँ कहें कि डेथ के बाद वो जो सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अगर उनके साथ दफनाया जाता है तो वो चीज़ों को ले करके जाते हैं, यानी मरने के बाद चीज़ों को वो ले करके जाते हैं. सो इसीलिए उनके साथ कई सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे जो कॉलर्स है, प्रीशियस कॉलर्स है, ठीक है, एंड इनग्रेव्ड नेकलेस है जो गले में पहना जाता है, नेकलेस हो गया, एंड बहुत सारी चीज़ें, ब्रेसलेट्स है, रिंग्स है, एंड ताबीज वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े हैं, एंड यहाँ तक कि जो कॉफिन था वो भी सोने का था. तो ये सारी चीज़ें उनके साथ दफनाया गया था, कई सारी कीमती आभूषण वगैरह ये सारी चीज़ें दफनाई गई थी, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि डेथ के बाद फिर से लाइफ है. एंड द बॉय किंग changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉय किंग है यानी किंग टूट है, उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, Tutankhaten आटेन से उन्होंने आमून किया था, यानी Tutankhaten से Tutankhamun. इसके पीछे क्या रीज़न है? सो आंसर, बिफोर किंग टूट केम टू द थ्रोन देयर हैड पास्ड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री of ancient Egypt. Pharaoh Amenhotep IV promoted the worship of the Aten, the sun disk, and changed his name to Akhenaten, the servant of the Aten. He attacked the temples, man god Amun, shattered his images and closed his temples. यहाँ पर कहा जा रहा है कि reason ये है कि Tutankhaten यानी किंग टूट है, उन्होंने अपना नाम आटेन से हटा करके आमून किए थे. क्यों किए थे? क्योंकि जो एक किंग थे, इनके जो पूर्वज थे, Amenhotep IV जो थे वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अत्याचारी राजा थे. अब ये जो अत्याचारी राजा थे ये क्या करते थे कि ये लोगों को ज़बरदस्ती पूजा करवाते थे, यानी दूसरे गॉड की, यानी ये प्रमोट करते थे कि लोग आटेन की पूजा करें, गॉड आटेन की पूजा करें, और इस तरह से इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था. और इन्होंने अपना नाम चेंज क्या किया था, Amenhotep IV से Akhenaten कर दिए थे, Akhenaten यानी आटेन वर्ड वाला. अब जब ये आटेन वर्ड का अपना नाम चेंज किए थे, प्लस जिसका मतलब ये होता है
कि द सर्वेंट ऑफ द आर्टेन, मीन्स वो आर्टेन का सर्वेंट है, इस तरह से उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। और ये जहाँ रहते थे उस जगह को भी चेंज कर दिए थे, यानी एक जगह से छोड़ करके वो दूसरी जगह पे भी चले गए थे। एंड ये कई टेंपल्स पे अटैक किए थे। इसके अलावा जो लोग थे उस ज़माने में, जो लोग हुआ करते थे, उनकी श्रद्धा भक्ति का इन्होंने विध्वंस भी किया था, क्योंकि जो लोग थे वो आमून, गॉड आमून को मानते थे। और इन्होंने क्या किया था कि आमून, गॉड आमून है, उनकी मूर्ति को भी तोड़वा दिए थे। सो इस तरह से इन्होंने कई सारी चीज़ें किए हुए थे। और इन सारी चीज़ों को, यानी इनके जो पूर्वज थे, यानी किंग टूट के जो पूर्वज थे अमेनहोटेप IV, यानी अखेनाटेन, इनके द्वारा किए हुए जो बुरे कर्म हैं उनको सुधारने के लिए इन्होंने टूटनखाटेन से टूटनखामून किए थे, आमून किए थे। एंड आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर अपीयर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड डाइड विदाउट लिविंग एनी मार्क। देन वेरी यंग टूटनखाटेन केम टू द थ्रोन, किंग टूट ही इज वाइडली नोन टूडे, ही स्टार्टेड द रेस्टोरेशन टू द ओल्ड वे, ही चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामून, लिविंग इमेज ऑफ आमून, द बॉय किंग टूट रूल्ड फॉर अबाउट 9 years, देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। एंड इस तरह से जो अमेनहोटेप IV है, उनके बाद एक मिस्टीरियस किंग ने रूल किया, और उसके बाद फिर आए किंग टूट, जो कि किंग टूट के नाम से ही जाने जाते हैं ज़्यादातर, और इनका नाम था टूटनखाटेन, टूटनखाटेन, आटेन वर्ड जुड़ा हुआ था। और इन्होंने क्या किया, जब जैसे ये राजा बने, ये लगभग 9 वर्ष तक तो शासन किए, बस उस शासन में उन्होंने बहुत सारे सुधार लाए थे। और टूटनखाटेन से इन्होंने क्या किया, अपना नाम टूटनखामून, यानी लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना काम किया, और इस तरह से इन्होंने अपना नाम भी टूटनखामून किए, आमून, जो कि लोग गॉड आमून को मानते थे, उनकी वर्शिप करते थे, और जिसका मतलब होता है, इनका नाम का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून, यानी आमून की जीवित तस्वीर। सो इस तरह से इन्होंने चेंज किया हुआ था, और यही रीज़न था जिनकी वजह से टूटनखाटेन ने अपना नाम चेंज किया और उनका नाम हो गया टूटनखामून, जो कि आज के ज़माने में मुख्य रूप से किंग टूट के रूप, मीन्स किंग टूट के नाम से ही जाने जाते हैं। सो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।